दिनांक 4 तारीख की शाम को बांदीपुर कस्बे में और मसवा थाना इलाके में कुछ 4 बदमाशों द्वारा अवैध हथियारों के बल पर कार सवार और 2 बाइक सवारों के साथ में कुछ 3 घटनाएं कारित की थी, जिसमें हथियारों के नोक पर लूट की गई थी और लोगों को जान से मारने के इरादे से फायर किया गया था। इसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ था और एक व्यक्ति के सर पर अवैध पिस्टल से हमला करके उसको घायल किया गया था और डरा लगभग लोगों के साथ लूट की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया और मुलजिमों को पकड़ने हेतु और उनको दस्तयाब करने हेतु जगह जगह दबिश दी जा करके और पुलिस के परंपरागत पुलिस के माध्यम से अपराधी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। इस संबंध में आज बालाजी थाना पर एक जरिए मुखबिर सूचना मिली कि प्रकरण के में वांछित मुलजिम और ठिकरिया के आसपास गांव के आसपास छुपे हो सकते हैं। इस पर बालाजी थाना से एक टीम का गठन किया जा करके मुलजिमों को पकड़ने के लिए ठिकरिया गांव गए, जहां पर प्रकरण हाजा में शामिल 2 बदमाश आसू मलिक उर्फ अजहर मलिक और देवराज गुजर को अवैध पिस्टल और राउंड के साथ में तथा लूटी हुई बाइक के साथ में आज गिरफ्तार किया गया है, जिस पर थाना बालाजी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौरान अनुसंधान पता चला है कि इन दोनों इन्होंने एक गिरोह बना रखा है और इसमें करीब जो 7-8 व्यक्ति हैं सबके ऊपर पूर्व में काफी सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। आसू मलिक के ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक लूट के, अवैध हथियार रखने के, वाहन चोरी के कई सारे मामले दर्ज हैं। देवराज पर भी चोरी के और लूट के मामले